बहुत महंगी है भाई, एयरपोर्ट पे महंगे ही मिलते हैं भाई, तो हम लोगों ने बस यही फिलहाल तो यही कर रहे हैं ब्रेड। आया तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे जाना शूट नहीं कर सकते, तो उसने मेरी जान दो तीन वीडियो पूरी जाना डिलीट करवा दी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों यार आज है 6 फरवरी और अभी सुबह के जो ना 5:30 हो रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया होगा आज हम लोग को जो ना निकलना है, और हम जो ना जस्ट अभी उठे हैं तो फिलहाल जो ना पानी वगैरह पी के जो ना थोड़ा मुँह हाथ वगैरह धुलते, बिकॉज यार अभी जो ना नहाने का तो मन नहीं कर रहा, बिकॉज बाहर जो ना बहुत तेज ठंड हो रही है, तो फिलहाल जल्दी जो है ना रेडी होते हैं। और भाई ये अपना सलमान भाई, अरे जल्दी से उठ जा भाई, यहाँ पे हमारा जो है ना पूरा लगेज वगैरह भी जो है ना रेडी हो चुका है, अरे जल्दी उठ जा भाई, चाचा लेट होगी भाई। वैसे 6 बजे में जो है ना हमारा ड्राइवर आ जाएगा पिकअप करने, तो बाकी देखते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यार यहाँ पे अपन लोगों ने जो ना मस्त करके पूजा वगैरह कर लिया है, और हमारा पूरा सामान भी जो है ना रेडी हो चुका है। ये रूम थोड़ा जो है ना गंदा हो रहा है, तो उसको जो ना ऐसे छोड़ के जाते हैं बस, मतलब कंबल वगैरह जो ना सही करके रख देते हैं, तो बाकी निकलते हैं। 6:02 हो गए, नीचे हमारे जो ना टैक्सी भी आ चुकी है। तो दोस्तों यार फाइनली हम लोग जो ना रेडी हो चुका है, ये सलमान भाई भी रेडी हो चुका है, ये हमारा पूरा जो ना लगेज रेडी हो चुका है, तो नीचे जो ना ड्राइवर भाई साहब आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं। तो जय श्री केदार बाबा, जय श्री केदार। तो चलो भाई चलते हैं। लाइट बंद कर दे। तो ये बाहर देख सकते हैं अभी जो ना प्रॉपरली पूरा जो ना उजाला भी नहीं हुआ है, तो ये टैक्सी वाले भाई साहब हैं। तो अभी हम लोगों को निकालना है यहाँ से जो हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ कम से कम जो ना 1 से 1.5 घंटा तो लगे जाएगा, मतलब करीबन 7-7:30 के आसपास तो जो ना पहुँच जाएंगे। चल भाई यार, अभी जो ना टाइम हो रहा है ये देख सकते हो 6:46 हो रहे हैं, सॉरी 7:46 हो रहे हैं। तो अपन लोग जल्दी से जो ना बोर्डिंग पास वगैरह लेते हैं, बाकी इमिग्रेशन वगैरह और जो सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो ना सारी डिटेल में बताता हूँ कि हमारा जो ना कहाँ जाने का प्लान है, और मतलब जो ना आगे का सीन जो भी है वो आगे चल के ही बताते हैं। पहले जल्दी से जो ना बोर्डिंग वगैरह करते हैं, बिकॉज अब जो ना खाली 2 घंटे ही रह चुके हैं। नहीं इसमें पहले चेक कर लेना। फाइनली जो है ना बोर्डिंग हो गई है, बस अभी इमिग्रेशन वगैरह और जो अपना सिक्योरिटी वगैरह है वो क्लियर करना रह गया। सलमान भाई हाउ इज द जोश? हाय सर। तो यार अभी जो है ना टाइम हो रहा है 8:20 हो रहा है, तो फाइनली हमारा जो है ना जो सिक्योरिटी वगैरह होता है और बाकी जो इमिग्रेशन वगैरह होता है सारा जो है ना क्लियर हो चुका है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बाली इंडोनेशिया। तो हमारा जो है ना मतलब 1 हफ्ते पहले जो ना प्लान बना है, तो बाकी देखते हैं। मेरे साथ जो ना सलमान भाई हैं, बस हम दोनों जा रहे हैं। तो अरे भाई साहब आराम से, तो हमारी फ़्लाइट है लगभग 10 बजे फ्लाई करेगा यहाँ से, और 4:30 के करीबन जो ना बाली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पहुँचेगा। और बाली जाने का जो सारा प्रोसेसिंग है, मतलब जो भी वीज़ा वगैरह जो भी सारा सीन है, वो मैं आपको जो ना बाली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद बताऊँगा आप लोगों को सारा डिटेलिंग में। तो बाकी देखते हैं। और अभी जो ना सबसे मेन चीज क्या है कि जो है ना भूख लग रही है बड़ी तगड़ी वाली, तो सबसे पहले जो ना कुछ खाते। तेरे को भूख लग रही है? नहीं मतलब क्या बताऊं, कहना क्या चाहते हो भाई? मतलब ये चाहता है कि कहीं खा थोड़ी लिया सुबह के हिसाब। हाँ भाई हमने मतलब जो ना कुछ भी नहीं खाया भाई, अरे बुरा बंदर सामने से आ रहा है। मतलब जो ना सबसे पहले तो जो ना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सीन है। अभी तो हमारे पास जो ना कम से कम 1-1.5 घंटा, मतलब 1.5-2 घंटा लगा लो, 1.5-2 घंटा पूरे हैं। तो यार यहाँ पे अपन का जो ना ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, ब्रेकफास्ट बोल लो या फिर लंच बोल लो, हाँ ब्रेकफास्ट ही बोलेंगे इसको। तो भाई साहब बहुत महंगी है भाई, एयरपोर्ट पे महंगी मिलते हैं भाई, तो हम लोगों ने बस यही फिलहाल तो यही कर रहे हैं, ब्रेड वगैरह खा रहे हैं। समझा दो सब भाई को, भी इन्होंने कहा कि 20 रुपए की बाहर से खा लेंगे, कह रहा कि नहीं भाई खाएंगे। अब भाई के 500 रुपए लगे, अब आंखें खुलेगी भाई। मतलब टोटली जो ना कम से कम 100 इंडियन करेंसी में 1700 रुपए के एक ये ब्रेड है और 2 कोक है बस 1700 रुपए में, अब देख लो। और बाहर हमें टोटली खा लीजिए ना कितने में पड़ता है, कम से कम 20 रुपए में, 20 नहीं नहीं इंडियन करेंसी के हिसाब से 60 रुपए में पड़ता, 60-70 रुपए में, और यहाँ पड़ गया 1700 में। जैसे कि मैंने बताया अभी जो है ना चाइनीज न्यू ईयर जो है स्टार्ट हो गया, तो काफी सारे लोग जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, कोई अपने होम टाउन जाता, कोई कहीं घूमने जाता, तो भाई एयरपोर्ट पे पूरा जो है ना मतलब इतना भयंकर वाला रश हो रखा है ना। तो अभी देखते अपन लोग वेट करते, अरे भाई 21 पे तो कोई नहीं बैठा, हमारा गेट नंबर है 21, तो वहाँ पे चलते हैं।
वहाँ पे तो ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही है। तो यार देखो ये हमारा गेट है यहाँ पे, और बाकी देखते हैं बाहर का वेदर। तो आज जो ना काफ़ी थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, बाकी देखते हैं। यहाँ पे वेट करते हैं, 10 बजे फ्लाई करेगा तो मे बी 9:30 से जो ना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो आधा घंटा और वेट करते हैं यहाँ पे। क्यों सलमान जी उस तरह? अभी टाइम जो ना 9:30 के करीबन हो रहा है, तो अभी हम लोग जो ना बोर्डिंग वगैरह तो हो ही गया है, मतलब अभी बाकी देखते हैं। 10 बजे का टाइम है यहाँ से फ्लाई करने का और 4:30 पे वहाँ पहुँचेंगे। तो ये अपना प्लान है यहाँ पे, और ये सलमान भाई है। और ये भाई हम लोग जो है ना वियत जेट एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। मोस्टली ये एयरलाइन जो है ना डिले होती है, बट आज देखते हैं वैसे टाइम पे जो ना बोर्डिंग वगैरह तो होगी, तो देखते हैं टाइम पे निकलती है। वैसे मतलब यहाँ की जो बेस्ट एयरलाइन है ना वियतनाम एयरलाइन है, बाकी इसका देखते हैं। अरे एक बात कहना चाहूँगा मैं, क्या गर्म पानी करना है मुझे। उस तरह अभी जो ना टाइम हो रहा है 10:04, वियत जेट है तो लेट होना तो बनता है। तो सलमान भाई जो ना यहाँ पे बैठा है, और पीछे हमारे जय सूर्या भाई साहब बैठे हैं। तो दोस्तों अभी जो ना टाइम हो रहा है 11:35। तो जैसा कि कल रात हम लोग जो ना 2 बजे के करीबन सोए थे, तो भाई बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही थी, तो मतलब जो ना प्रॉपरली सो नहीं पा रहे, तो इसलिए जो ना हम लोगों ने कॉफी ऑर्डर करी है। सलमान भाई इसने कल रात को जो ना सोने नहीं दिया हमें, 2 बजे सोए हैं। 2 बजे दोस्तों देख सकते हो जो बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, ये कम से कम जो ना 89 कंट्रीज है जिनको जो ना वीजा ऑन अराइवल मिलता है। तो अपनी कंट्री भी है 32 नंबर पे, एज यू कैन सी। तो ये सारे लिस्ट जिनको दिख नहीं रहा है वो जो ना स्क्रीन शॉट ले लेना एक बारी, ये देख सकते हो। तो अभी चलते हैं, सलमान भाई जो ना वहाँ लाइन पे लगा हुआ है। तो दोस्तों यार अभी जो ना टाइम हो रहा है लगभग 5:16 हो रहे हैं, तो हम लोग जो ना लगभग 4:30 के आसपास जो ना यहाँ पहुँच चुके थे। और पता क्या सीन हुआ, मैंने जो ना वीडियो शूट करी, कम से कम 2-3 वीडियो शूट करी थी। तो क्या हुआ कि मैं जो ना जैसे इमिग्रेशन से जस्ट पहले होता ना वहाँ पे भी शूट कर रहा था, तो वहाँ पे एकदम से जो ना इमिग्रेशन ऑफिसर आया, तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे जो ना शूट नहीं कर सकते। तो उसने मेरी जो ना 2-3 वीडियो पूरी जो ना डिलीट करवा दी। तो उस वीडियो में मैंने बस यही बताया था आप लोगों को कि जैसे वीज़ा ऑन अराइवल है वो तो आप लोगों को पता ही है, और बाकी यहाँ पे जो ना एक पर्सन का जो वीज़ा ऑन अराइवल है ना इंडियन पासपोर्ट होल्डर, उसे जो ना $33 चार्ज करते हैं। तो हमें टोटल जो ना पूरा $66 जो ना पे किया। तो कुछ जो ना इस टाइप का ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस टाइप का वीज़ा मिलता है, तो ये स्टिकर वीज़ा है बेसिकली यहाँ पे। तो बाकी वीज़ा ऑन अराइवल ईजी है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी अब चलते हैं हम लोग बाहर, चलते हैं एग्जिट करते हैं, और बाकी आगे की कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने सिम वगैरह ले लिया है, बिकॉज ना सिम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी हम लोग यहाँ जो है ना शायद 4-5 दिन स्टे करेंगे, और 10 तारीख को हम लोग फिर जो है ना वापसी निकल जाएंगे। तो आने वाली वीडियोज जो है ना एकदम मज़ेदार रहेंगी, तो बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी हम लोग जो है ना एयरपोर्ट में ही है, बस एग्जिट करते हैं, उसके बाद होटल वगैरह में निकलते हैं, बाकी देखते हैं रात को क्या सीन होता है। तब हम लोग भाई जहाँ से आ रहे हैं ना वियतनाम में, भाई हम लोग जो है ना कम से कम 13-14 डिग्री टेम्परेचर से आ रहे हैं, और भाई यहाँ जो है ना कम से कम 31, अभी ये देख सकते हो 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो भाई हम जो है ना पूरा गर्म गर्म सा पहन के आ रहे हैं, और भाई साहब मतलब जो है तगड़ी वाली गर्मी हो रही है। तो यार अभी हमें जो है ना टैक्सी भी मिल गई है, जो कि 100 रुपीज़ ले रही है, जो इंडोनेशिया जो करेंसी में होती है। और बाकी हमने जो ना होटल वगैरह तो जो ना बुक कर ही लिया है, तो बाकी देखते हैं। और भाई यहाँ जो ना तगड़ी वाली गर्मी हो रही है ना भाई, पूरा पसीना पसीना हो गया भाई इसमें। सर यहाँ पे जो है ना हमारा चूतिया कट चुका है, वेट। तो दोस्तों मतलब यार यहाँ पे हमारा जो ना चूतिया कट चुका है, हमने जो ना ऑलरेडी बुकिंग करा रखी थी कम से कम 6 तारीख से, मतलब 8 से और 10 तारीख तक के। तो भाई इन्होंने अपने सिस्टम में चेक वगैरह किया, तो वहाँ इन्हें कुछ मिला नहीं। अब क्या कर सकते भाई, अब जो है ना इमीडिएटली हमें जो है ना दूसरा होटल बुक करानी पड़ी, जो कि एयरपोर्ट से करीबन जो है ना कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर के आसपास है। तो फिर वहाँ चलते हैं, अब देखते हैं। ये तो कम से कम 100 रुपये बोल रहा है, 200 बोल रहा है। हाउ मच विल इट टेक? 100? नो, इट्स टू मच एक्सपेंसिव। बिफोर यू से 200, इफ यू गो विथ लाइक 70 or 80 rupees, देन वी कैन गो। इट जस्ट 15 किलोमीटर, नॉट टू मच। I don't speak English. No, it's okay. 70 Indonesian rupees.
70 go to this go to this place. अरे सेवेंटी मत बोल, 70 रुपए वो 100 पे लेके आया मैं उसको, पहले 200 बोल रहा था। अच्छा तो मे बी यार 100 रुपीज में भी ठीक है, तो फिर देखते हैं। चलो ओके, लगेज तो रख लेगा, तो बैठ जा अंदर। फाइनली जो है ना, अब यहाँ से हमने जो है ना टैक्सी ले लिया, मतलब हमारा जो है ना डबल नुकसान हो गया। तो पहले हम लोग जो है ना एयरपोर्ट से यहाँ तक आए थे, जो कि वहाँ पे हमने कम से कम 100 जो इंडोनेशियन रुपीज़ है वो पे किए थे। तो बाकी अब यहाँ से जा रहे हैं, मतलब 100 मीटर नहीं, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर रहा होगा। तो बाकी अभी जो है ना 15 किलोमीटर दूर है जो होटल है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, कंगू ऐसे कुछ नाम की जगह है। तो बाकी देखते हैं भाई, यार हालत खराब हो गई सबसे ज्यादा जो ना भाई, गर्मी लग रही पूरा, मतलब जो ना गीला हो चुका। अब तो होटल पे जाके सब कुछ चेंज वगैरह होगा। तो दोस्तों यार फाइनली जो है ना अभी हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एक जो है ना होम स्टे सा हमने जो ना बुक किया है, तो यहाँ पे जो ना रूम टूर दे देता हूँ। इसमें जो ना 2 बेड से लगे हुए हैं, बाकी जो ना मतलब ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, बस छोटा सा ही है। और इसका बाहर का सीन जो है ना अभी तो मे भी मुश्किल ही दिखेगा, क्योंकि अभी जो है ना रात हो चुकी है। तो सबसे पहले जो ना हमें अभी जो है ना खाना खाने जाना, बिकॉज जो ना बहुत तेज भूख लगी है भाई, चल ले। बाकी देखते हैं फिर इसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि भाई कल मॉर्निंग में देखते हैं हमारा कुछ प्लान बन सकता है। बाकी देखते हैं, आप लोगों को कल वाली वीडियो में पता लगेगा। चल भाई जल्दी चल खाना खाने। लोग जो ना इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने, तो ये जो ना मतलब काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पे, चंगू नाम बोलते हैं यहाँ का। मैं आगे टाइम से जो ना कंगू बोल रहा था, तो जो ना चंगू बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो ना रेस्टोरेंट हार्डली जो है ना होटल से कम 600 मीटर होगा ना, 600 मीटर के आसपास ही है। तो फिर चलते हैं, क्या जा रहा हूँ या ये भी सही है ब्रो, तो फिर चलते हैं अभी वहाँ पे खाना खुना खाते हैं, बिकॉज भाई जो ना बहुत तेज भूख लगी है। और यहाँ पे जो है ना एक बिग सी टाइप का है, कुछ बड़ा सा मॉल सा। तो ये जो है ना चंगू में इंडियन रेस्टोरेंट है, यही है कबाब करी तो बोला था उन्होंने। ये जो ना सॉरी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो अभी जो ना खाना खाने चलते हैं। चल भाई सर, यहाँ पे जो ना अपन के डिनर आ चुका है। सलमान भाई भाई जो है ना बहुत तगड़ी वाली भूख लगी थी, तो जल्दी से निपटाते हैं। पनीर खा रहा है अपन, तेरे यहाँ पे कुछ लगा है लगने देना। तो फिर यार जल्दी से खाते, उसके बाद जो ना वापस निकलते हैं भाई, क्योंकि जो ना कल मॉर्निंग में जो ना तगड़ा प्लान चल रहा है। क्यों बिल्कुल। तो दोस्तों यार जस्ट अभी हम लोग जो ना डिनर करके आए हैं, तो फिलहाल जो ना इस वीडियो को यहीं पे रखा है, बिकॉज जो ना हम लोग को कल मॉर्निंग में जो ना निकलना है, और हम लोग जो ना ऑलरेडी फुल हो चुके हैं खाना खा के। तो फिलहाल सोते हैं और थोड़ा सा जो ना वीडियो एडिटिंग करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई कल वाली वीडियो में जो ना मजा आने वाला है भाई, वीडियो में जो ना बने रहना बस। बाय बाय।